रायपुर की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को लेकर उठे विवाद के बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। सीजीपीएससी अब अभ्यर्थियों को उनके सीजीपीएससी अकाउंट में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की ओएमआर सीट उपलब्ध कराएगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें कि सीजीपीएससी के परीक्षक नियंत्रक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को लगातार अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी और इसी क्रम में ओएमआर सीट दिखाई जाएगी। अभ्यर्थी एक निश्चित अवधि के लिए अपने लॉगिन अकाउंट में अपनी ओएमआर सीट को देखना या फिर डाउनलोड करने के लिए लिंक प्राप्त कर सकेंगे। तो वही हम आपको ये भी बता दें कि सीजीपीएससी ने 11 मई को चयनित सूची जारी की थी। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर चयनित सूची पर सवाल भी उठाए थे। उनका आरोप था कि अधिकारी और नेताओं के बच्चों का ही चयन हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर चयन सूची पर सवाल उठाए थे। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इसे उठा रही है। कोई तथ्य है तो दे, उसकी जांच कराएंगे। तो जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही ओएमआर सीट लिंक के बारे में बताया था, तो उसकी डिटेल हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सीजी 36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो जारी आदेश के मुताबिक राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका के लिंक अभ्यर्थियों के अकाउंट में 20 मई से उपलब्ध होंगे और इसे अभ्यर्थी 18 जून तक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यह डाउनलोड लिंक अपने आप ही स्वयं से बंद हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही जैसा कि किसी ने अभी सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उनका आरोप था कि अधिकारियों और नेताओं का बच्चों का ही चयन हुआ है, तो इस पर आपका क्या राय है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।